हाँ, तो हम लोग चलिए चलते हैं, केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं उसके बारे में देखेंगे। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट होता है कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाए। हम लोग यहाँ पे दो रूल्स पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, जिसमें से हम लोग फर्स्ट रूल पढ़ेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड और दूसरे अलजेब्रिक मेथड। ये दोनों मेथड जो है किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जा सकता है। तो हम लोग सबसे पहले मेथड की तरफ बढ़ेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड। ऐसे हम लोग जानते हैं कि हीट एंड ट्रायल मेथड एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, और वो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग 9th, 10th या 11th के सिंपल क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड को सबसे पहले पढ़ेंगे, लेकिन ये बात हमें जानना पड़ेगा कि हीट एंड ट्रायल मेथड को पढ़ने के लिए भी कुछ स्टेप्स होते हैं। उस स्टेप पे पहले हम ध्यान देंगे कि इस स्टेप में क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टेप फर्स्ट में कि फर्स्टली मेटल और हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड। अगर हम हीट एंड ट्रायल मेथड को पढ़ रहे हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड को पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले केमिकल इक्वेशन में जो भी दिया रहेगा, केमिकल इक्वेशन में जो भी एलिमेंट दिए रहेंगे, जो भी एटम दिए रहेंगे, उसमें से सबसे पहले हाइड्रोजन और मेटल, मेटल हो तो ठीक है, अगर मेटल ना हो तो हाइड्रोजन को, अगर दोनों हो तो पहले मेटल को फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, मेटल और नहीं तो हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, सबसे फर्स्ट काम होगा मेटल को नहीं तो हाइड्रोजन को बैलेंस करना। फिर सेकेंड स्टेप में क्या है, देन जब ये बैलेंस्ड हो जाए, देन बैलेंस्ड फोन, देन बैलेंस्ड फोन। फोन इसमें क्या है, F स्टैंड फॉर फ्लोरीन, O स्टैंड फॉर ऑक्सीजन एंड N स्टैंड फॉर नाइट्रोजन। यानी अगर मेटल और हाइड्रोजन बैलेंस्ड होने के बाद हम फोन को बैलेंस करेंगे F या O या N। किसी भी केमिकल इक्वेशन में अगर फ्लोरीन ना हो तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन नहीं हो तो नाइट्रोजन, इन तीनों में से किसी एक के स्टेप को लेकर के हम चलेंगे। अगर ये भी स्टेप हमारा क्लियर हो जाए तो लास्ट में बहुत सिंपल स्टेप है, लास्टली मल्टीपल विथ सूटेबल नंबर। लास्ट में जो भी जिसके रिक्वायरमेंट जैसे हो उसके अकॉर्डिंग से हम उसमें लास्ट में सूटेबल नंबर से मल्टीपल करेंगे। जैसे कोई केमिकल इक्वेशन, हम यहाँ पे एग्जांपल नहीं, उस एग्जांपल को हम सॉल्व करके देखेंगे। इस केमिकल इक्वेशन में एक बात और भी समझना है कि जिस केमिकल रिएक्शन में अगर मेटल या हाइड्रोजन पहले से बैलेंस है तो ये स्टेप पहले से क्लियर है, तो इस स्टेप पर हम लेकर के चलेंगे। जैसे कि हम इस इक्वेशन में देखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या काम करेंगे, हम जानते हैं कि इस केमिकल इक्वेशन के इस साइड को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, और इस साइड को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ये हमें पता है, रिएक्टेंट में जो एलिमेंट होंगे, जो एटम होंगे, वही एटम और एलिमेंट क्या होंगे, हमें प्रोडक्ट में भी होंगे। तो एक काम करते हैं, क्या सभी एटम को या एलिमेंट को एक साइड लिख लेते हैं। इसमें कौन कौन से एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें कौन से एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पोटेशियम, तो इसमें पोटेशियम को हम क्या काम करेंगे, इसको एक साइड पहले लिख लेते हैं पोटेशियम। फिर इसमें कौन से, क्लोरीन, फिर कौन से, ऑक्सीजन। तो जो एलिमेंट रिएक्टेंट साइड है वही एलिमेंट हमारा किस साइड होगा, प्रोडक्ट साइड भी होगा। तो हम देखते हैं कि रिएक्टेंट साइड में हमारा पोटेशियम की संख्या, पोटेशियम का नंबर कितना है, तो रिएक्टेंट साइड में पोटेशियम हमारा कितना है, 1, तो क्या होगा, 1। उसी तरीका से क्लोरीन की भी देखेंगे, क्लोरीन की संख्या कितनी है, 1, इसीलिए क्लोरीन की भी 1। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 3, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, 3, ये रिएक्टेंट साइड। उसी तरीका से हम प्रोडक्ट साइड भी लिखेंगे कि पोटेशियम की कितनी संख्या है, पोटेशियम कितने नंबर है, पोटेशियम एटम के कितने नंबर है, क्लोरीन के कितने हैं और ऑक्सीजन के भी कितने हैं। पोटेशियम के यहाँ से पता चल रहा है यहाँ पर भी 1, क्लोरीन के कितने हैं, 1, और ऑक्सीजन के कितने हैं, 2। तो चलिए हम सबसे पहले बैलेंसिंग करने के लिए हम मेथड पर चलते हैं कि बैलेंसिंग करने के लिए कौन से मेथड। सबसे पहले हीट एंड ट्रायल मेथड में सबसे पहले स्टेप पर चलते हैं, फर्स्टली मेटल और हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड। हम देखेंगे मेटल को और नहीं तो हाइड्रोजन को। यहाँ पे हमें मेटल दिखाई दे रहा है, जैसे कि पोटेशियम। एक बात और, जिस एलिमेंट के सफिक्स यानी लास्ट में यम लगते हैं वो सभी के सभी मेटल ग्रुप में आते हैं, सभी के सभी मेटल एक्सेप्ट हीलियम को छोड़कर। तो यहाँ पे पोटेशियम, इसके लास्ट में यम आ रहा है यानी ये मेटल है, तो पोटेशियम मेटल है, यहाँ पोटेशियम पहले से ही बैलेंस्ड है।
जब ये स्टेप पहले से क्लियर है तो हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, और नेक्स्ट स्टेप में क्या है, देन बैलेंस्ड FON यानी फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो हम यहाँ पे ना फ्लोरीन है ना नाइट्रोजन है, ओनली ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को हम बैलेंस करना चाहेंगे। तो यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑक्सीजन यहाँ 3 एटम के फॉर्म में है और यहाँ 2 एटम के फॉर्म में है। तो जब अगर ऐसा नंबर हो, जब एक तरफ ऑड और एक तरफ इवन आ जाए, एक तरफ ऑड और एक तरफ इवन आ जाए नंबर, तो हम क्या काम करेंगे, जो सामने वाला नंबर से इस नंबर में और लेफ्ट वाला नंबर को राइट से मल्टीपल करेंगे और राइट वाले को लेफ्ट से, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्योंकि अगर इसको हम बैलेंस किया जाए, अगर इसको बैलेंस किया जाए, इसको 3 को 3 में 2 से मल्टीपल किया जाए और 2 में 3 से मल्टीपल किया जाए, जैसे यहाँ पर इंटू 2 और यहाँ पर क्या कर देंगे इंटू 3। तो यहाँ पर अगर 2 से मल्टीपल करते हैं तो 3 2 6, अगर यहाँ 3 से मल्टीपल करते हैं 3 2 6। तो यहाँ 2 से मल्टीपल किए हैं ऑक्सीजन में, लेकिन ऑक्सीजन में जब भी मल्टीपल करेंगे या जब भी बैलेंस करना होगा तो उनके जो नंबर होंगे वो मॉलिक्यूल्स के सामने लिखा जाएगा, मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड के सामने। तो ये ऑक्सीजन कहाँ पर है, KClO3 में है, और इसका हम जो डिजिट जो हम यहाँ पे मल्टीपल कर रहे हैं वो मल्टीपल करने के लिए हमें पूरे कंपाउंड के सामने लिखा जाएगा। तो ये 2 कहाँ पर होगा, इस साइड। लेकिन एक बात और ध्यान देंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के कारण इसमें पोटेशियम और क्लोरीन का भी एटम्स बढ़ गया। कितना बढ़ा, जब इसमें ऑक्सीजन में 2 से मल्टीपल किए तो क्लोरीन और पोटेशियम में भी हमें 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा, क्योंकि क्लोरीन और पोटेशियम भी एक ही कंपाउंड से जुड़े हुए हैं। तो इसके लिए ऑक्सीजन में 2 से, तो ऑक्सीजन यहाँ पर है, यहाँ पर भी 2, K में भी 2 से मल्टीपल होगा, Cl में भी, तो यहाँ भी 2 से मल्टीपल और यहाँ भी 2 से मल्टीपल हमें तो यहाँ देखना है। और यहाँ पे इस ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, ये रिएक्टेंट साइड, और प्रोडक्ट साइड में हमने 3 से मल्टीपल किया, तो प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कहाँ है, इस साइड, और यहाँ भी हम 3 से मल्टीपल कर लिए। तो चलिए, हमारा ऑक्सीजन तो बैलेंस्ड हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो गया, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस्ड होने के कारण के और सी एल का एटम्स अलग हो गया। तो हम यहाँ देखेंगे के को, हम इसके बाद किसको बैलेंस करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो गया। तो मैंने बताया कि लास्ट में सूटेबल नंबर से जितना नंबर की जरूरत हो उतने नंबर से मल्टीपल कर लेंगे। तो यहाँ भी अगर पोटेशियम को बैलेंस करते हैं तो पोटेशियम 2 है, तो यहाँ हमें 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा, और अगर यहाँ 2 से मल्टीपल करते हैं तो इसमें क्लोरीन से भी मल्टीपल 2 से हो जाएगा, तो जिसके कारण हमारा ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड, ये बैलेंस्ड हो गया। यानी इस मेथड के द्वारा हमने इस इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। अब फिर नेक्स्ट में हम चलेंगे क्या, इसके लिए भी हम बैलेंस करते हैं, इसके लिए ये हम जानते हैं ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में हमारे कौन कौन से एलिमेंट हैं, Fe, आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। Fe में, Fe के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, रिएक्टेंट साइड नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 1। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 1। ठीक है, ये रिएक्टेंट साइड। अब प्रोडक्ट साइड भी देखेंगे, आयरन के नंबर ऑफ एटम कितने हैं हमारे प्रोडक्ट साइड में, 3। हाइड्रोजन के कितने हैं, 2। और हम देखेंगे ऑक्सीजन के कितने हैं, 4। तो सबसे पहले हमें किसे बैलेंस करना है, जब ये मिल जाए तो हमें पहले, सबसे पहले इसमें मेटल को बैलेंस करना है। मेटल हम जानते हैं आयरन एक तरह की मेटल है, तो हम मेटल को बैलेंस करेंगे आयरन को। तो यहाँ आयरन की हम देखते हैं एटम, नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में 3 है, तो हम कितने डिजिट से नंबर करेंगे कि ये इक्वल हो जाए। तो हम इसमें कितने से मल्टीपल करेंगे, 3 से। जब 3 से मल्टीपल करेंगे तो ये भी 3 और ये भी 3। जब यहाँ 3 से मल्टीपल कर रहे हैं तो सिर्फ Fe में ही 3 से इंटू होगा, क्योंकि Fe अकेला है, इसलिए हम यहाँ पर 3 से मल्टीपल करेंगे। अब यहाँ 3 से मल्टीपल करने के कारण Fe हमारा बैलेंस्ड हो गया। चलिए, फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या, अब किसको बैलेंस करना है हमें, हाइड्रोजन को, आयरन के बाद हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन हमारा पहले से क्या है, बैलेंस्ड, इसमें कोई मल्टीपल करने की जरूरत नहीं है। अब देखेंगे ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, क्योंकि देन बैलेंस्ड FON, यहाँ पर ना फ्लोरीन है ना नाइट्रोजन है, ओनली ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम देखते हैं प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन 4 है, रिएक्टेंट साइड में 1 है, तो हम क्या काम करेंगे, अगर इस साइड हमने
4 से मल्टीपल कर लेते हैं, इस साइड अगर 4 से मल्टीपल करते हैं तो हमारा ये ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो जाएगा। अगर इधर 4 से मल्टीपल करते हैं तो चलो यहाँ मैंने 4 लिखा, लेकिन 4 से मल्टीपल करने के कारण हाइड्रोजन के भी एटम्स बढ़ गए, हाइड्रोजन में भी 4 से मल्टीपल होगा, यहाँ भी हम 4 से मल्टीपल करेंगे। अब यहाँ 4 से मल्टीपल करने पे इस तरफ की हाइड्रोजन हमारा 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 4 × 2 = 8, तो हमें कितने से यहाँ बैलेंस करने पड़ेगा कि 8 हो जाए, यहाँ भी हमें 4 से बैलेंस करना पड़ेगा, जिसके का 4 से मल्टीपल करना पड़ेगा जिसके कारण बैलेंस हो जाए। तो Fe हमारा इक्वल 3 3, हाइड्रोजन भी 4 × 8 4 × 8 और ऑक्सीजन भी 4 और 4, ये भी बैलेंस्ड हो चुका। तो इस हेल्प से हम क्या करें, यहाँ पे भी हम 4 से मल्टीपल किए तो सॉरी यहाँ पे 4 से मल्टीपल कर लेंगे और यहाँ से 4 से मल्टीपल किए हाइड्रोजन के लिए, तो ये हमारा बैलेंस हो गया। तो चलिए ये हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं, Fe2O3 Al, Al2O3 और Fe। तो सबसे पहले हमें क्या काम करेंगे, एटम के बारे में लिखना पड़ेगा, रिएक्टेंट साइड ये हम जानते हैं रिएक्टेंट है और ये कौन सा है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट साइड में हमारा कौन कौन से एटम है, Fe, O और कौन से एल्युमिनियम। हम देखते हैं कि Fe रिएक्टेंट साइड में कितने एटम्स को रखता है, यहाँ पे Fe रिएक्टेंट साइड में हमारे 2 एटम्स हैं, ओके। ऑक्सीजन कितने है हमारे 3 है, चलिए 3, और एल्युमिनियम कितने 1। फिर उस साइड हम देखेंगे प्रोडक्ट साइड में आयरन कितने 2, तो यहाँ आयरन कितने इस साइड 1। ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 3, लेकिन प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन यहाँ भी 3, एल्युमिनियम यहाँ 1 लेकिन वहाँ एल्युमिनियम 2। अब चलिए हमें सबसे पहले बैलेंस किया करना है, बहुत सिंपल है बैलेंस करना हमें किसको, मेटल को, मेटल यहाँ पे आयरन और एल्युमिनियम। अब हम देख रहे हैं ना आयरन बैलेंस है ना एल्युमिनियम बैलेंस है, तो पहले बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 एटम्स किसके हैं आयरन के और यहाँ 1 एटम्स किसके हैं आयरन के प्रोडक्ट में, तो हम यहाँ कितना से मल्टीपल करेंगे इक्वल होगा 2 से मल्टीपल करेंगे। जब 2 से मल्टीपल होगी तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 2 2 इक्वल, यानी यहाँ 2 से मल्टीपल कर रहे हैं। जब यहाँ 2 से मल्टीपल करेंगे तो और किसी में नहीं होगा, क्योंकि आयरन यहाँ अकेला है, इसके कारण हम 2 से मल्टीपल आसानी से इजिली कर लेंगे, यानी हमारा बैलेंस्ड है। अब हम देखेंगे किसको, दूसरे मेटल को बैलेंस करेंगे, यहाँ पर एल्युमिनियम 1 है और यहाँ पर एल्युमिनियम कितने 2, तो हम यहाँ कितना से मल्टीपल करेंगे 2 से मल्टीपल करेंगे। तो 2 से मल्टीपल करने के बाद सिर्फ एल्युमिनियम में ही होगा और किसी में नहीं होगा, तो यहाँ एल्युमिनियम भी बैलेंस्ड हो गया। हम देखें एल्युमिनियम बैलेंस्ड हो गया, ऑक्सीजन पहले से बैलेंस्ड है और यहाँ पे हमने आयरन को भी बैलेंस कर दिया, यानी ये भी इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। तो इस मेथड के द्वारा जितने भी केमिकल इक्वेशन है वो सब बैलेंस हो जाएगा। हमने यहाँ पे कुछ ईजी केमिकल इक्वेशन को लिए थे जिसके कारण बैलेंस होगा। अब नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट में कुछ बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को लेते हैं और उसको इस मेथड से बैलेंस करके देखते हैं, तब तक के लिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए हम लोग चलते हैं कि नेक्स्ट एग्जांपल पे, जिसके द्वारा हम लोग समझेंगे क्या कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे। अब हम लोगों ने कुछ बड़े बड़े इक्वेशन को लिए हैं और यहाँ पे हम लोग सॉल्व करके देखेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पर फर्स्ट हम एग्जांपल को लेकर के चल रहे हैं जिसमें हमें AgNO3 प्लस Cu और CuNO3 होल ट्वाइस प्लस Ag दिखाई दे रहा है। तो इसमें हम लोग सबसे पहला काम है कि हम जानते हैं कि रिएक्टेंट इस साइड है और प्रोडक्ट हमारा इस साइड है, और रिएक्टेंट की तरफ जो एटम होंगे वही प्रोडक्ट के साइड में भी होंगे। तो रिएक्टेंट के साइड वाले एटम या प्रोडक्ट के साइड वाले एटम जो भी हैं, इस एटम को एक जगह पर हम लिख लेंगे कौन कौन से एटम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसमें हमारे कौन कौन से एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक है सिल्वर, Ag, फिर कौन से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कॉपर, ये जो हमारे एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हमें ये भी देखना है क्या कि जो एटम है वो रिएक्टेंट में कितने साइड में है, रिएक्टेंट में कितने एटम्स कंटेंस करता है, प्रोडक्ट कितने एटम्स कंटेंस करता है। तो हम देखेंगे कि सिल्वर जो है रिएक्टेंट साइड में कितने हैं 1, नाइट्रोजन कितने 1, ऑक्सीजन कितने हैं 3 और कॉपर कितने हैं 1। यहाँ ऑक्सीजन नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3 एटम्स और कॉपर 1, ये तो रिएक्टेंट साइड की बात हो गई। अब बात करते हैं प्रोडक्ट साइड में कितने हैं। तो प्रोडक्ट में हमें देखने को मिल रहा है कि सिल्वर भी वहाँ 1 है, नाइट्रोजन हमें कितने हैं यहाँ पे नाइट्रोजन 2 एटम्स, यहाँ पे 2 पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स में यहाँ 2 से इंटू हुए हैं NO3 में, तो हमें एन की वैल्यू जो हो गई 2। ऑक्सीजन कितने, यहाँ ऑक्सीजन 3 थे लेकिन यहाँ पे 3 से 2 से मल्टीपल हो गए, तो क्या होगा 3 × 2 = 6।
और यहाँ पर कॉपर कितने हैं, कॉपर यहाँ पे 1। तो हमें देखेंगे सबसे पहले मेटल को बैलेंस करना है, और मेटल यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें सिल्वर और कॉपर के फॉर्म में, और दोनों के दोनों बैलेंस्ड है। जब दोनों को दोनों बैलेंस्ड है तो हमें किस पे जाना होगा, फोन पे। और मैंने बताया कि फर्स्ट क्लियर स्टेप है तो सेकंड फोन पे जाएंगे। फोन मींस क्या हुआ, ए फॉर फ्लोरीन, ओ फॉर ऑक्सीजन और एन फॉर नाइट्रोजन। लेकिन हम सबसे पहले यहाँ ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, फिर तब देन नाइट्रोजन को। तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितने, 6 प्रोडक्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड में 3। तो हमें कितने सूटेबल नंबर से मल्टीपल करें कि ये 6 के बराबर हो जाए। तो हमें पता है कि 6 लाने के लिए इसमें 2 से मल्टीपल किया जा सकता है। जब 2 से मल्टीपल कर रहे हैं तो ये वैल्यू हमारा इक्वल हो जा रहा है। तो ये 2 से मल्टीपल कहाँ कर रहे हैं, ऑक्सीजन एटम पर। लेकिन ऑक्सीजन के साथ हमारा नाइट्रोजन और एजी भी है, इसके कारण ऑक्सीजन में मल्टीपल करने से हमें एजी और एन में भी मल्टीपल हो जाएगा। तो किस में मल्टीपल होगा, नाइट्रोजन में भी और एजी में भी मल्टीपल होगा। तो मल्टीपल हो जाने के कारण आप देख रहे हैं कि ये तो हमारा बैलेंस्ड हो गया, नाइट्रोजन भी बैलेंस्ड हो गया, और यहाँ सिल्वर 1 एटम्स, यहाँ पे 2 एटम्स पहले, और प्रोडक्ट में किस साइड में 1 एटम्स है, इसलिए हमने सिल्वर को भी बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीपल कर लिया। और सिल्वर में अकेला मल्टीपल इसलिए, और किसी में मल्टीपल नहीं होगा, तो जिसके कारण हमें देखें कि सिल्वर भी बैलेंस्ड, नाइट्रोजन भी बैलेंस्ड, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड, और कॉपर तो पहले से ही बैलेंस्ड था, इसके कारण ये इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस्ड। और बैलेंस के लिए हम देखेंगे सब इक्वल हो गए, ये बैलेंस्ड हो चुका है। तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, जिसके द्वारा हीट एंड ट्रायल मेथड में और देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाए। ये क्वेश्चन थोड़ा इससे डिफरेंट है। तो इसमें से सबसे पहले एटम को लिख लेंगे कि एटम कौन कौन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें कौन कौन से एटम है, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब हमें इसमें एटम, हम जानते हैं इससे रिएक्टेंट साइड है और ये प्रोडक्ट साइड है। रिएक्टेंट साइड में कितने कार्बन एटम्स हैं और कितने ऑक्सीजन और कितने हाइड्रोजन है, पहले उसको लिख लिया जाए। तो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि कार्बन जो है रिएक्टेंट साइड में कितने एटम को रखता है, 1। ऑक्सीजन कितने हैं, 2। बट यहाँ पे और ऑक्सीजन है, तो हम इसे एक साथ नहीं लिखेंगे, 2 और प्लस 1 3 नहीं लिखेंगे। हम क्या काम करेंगे, इस मॉलिक्यूल्स के पास हमारा एटम 2 है ऑक्सीजन, और इसके पास 1 है, देन 2 प्लस 1, क्योंकि ये इक्वेशन को सॉल्व करने में इजी हो जाएगा, इसलिए हम 2 प्लस 1 करके लिखें। उसके बाद हाइड्रोजन देखेंगे, हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2। ओके, अब देन ये रिएक्टेंट साइड की बात हो गई, अब हम ये रिएक्टेंट साइड की बात हो गई, अब हम प्रोडक्ट साइड में देखेंगे कि कौन कौन से एटम कितने फॉर्म में। कार्बन यहाँ 6, इधर 1 थे, लेकिन इस साइड हमारे कितने, 6 एटम है, तो कार्बन 6। चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं कार्बन 6। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे, ऑक्सीजन इस टाइप में कितने हैं, 6, और देन प्लस 2। और हाइड्रोजन की बात करेंगे, हाइड्रोजन हमारे रिएक्टेंट साइड में 2 थे, लेकिन प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, टोटली 12। ये टोटल प्रोडक्ट साइड, ये टोटल रिएक्टेंट साइड। अब हमें क्या काम करना है, अब बैलेंस करना है। सबसे पहले किसको बैलेंस करना है, मेटल को या हाइड्रोजन को। देन हमें पता है कि मेटल इसमें कोई नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन है। यहाँ हाइड्रोजन 12 फॉर्म में है, यहाँ हाइड्रोजन 2 फॉर्म में है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन को बैलेंस किया जाए। हाइड्रोजन यहाँ पर 12 है और यहाँ 2 है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, 12, और यहाँ पर 2। हमें यहाँ कितने से मल्टीपल किया जाए कि ये 12 हो जाए। हमें पता है कितने से मल्टीपल किया जा सकता है, अगर यहाँ 6 से मल्टीपल किया जाए तो ये इक्वल हो जाएंगे। लेकिन हमने देखा, ध्यान से देखेंगे कि हाइड्रोजन में मल्टीपल किया 6 से, देन हमें हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन में भी 6 से मल्टीपल होगा, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी है। तो चलिए हमने यहाँ पर 6 से मल्टीपल कर लिया, 6 से मल्टीपल कर लिया, जिसके कारण हमारा यहाँ 6 से मल्टीपल करने के बाद ऑक्सीजन में भी मल्टीपल होगा। लेकिन किस ऑक्सीजन में, इस ऑक्सीजन में, इस ऑक्सीजन में नहीं, इस ऑक्सीजन में मल्टीपल 6 से होगा। तो हमने यहाँ भी मल्टीपल 6 से कर लिया। तो चलिए, ये तो हमारा हाइड्रोजन इक्वल हो गया, लेकिन हाइड्रोजन को इक्वल करने के कारण हमारा ऑक्सीजन एटम में देखेंगे, ऑक्सीजन में क्या फ़र्क आया। यहाँ पे 6 ऑक्सीजन एटम, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एटम, 6 और 2 टोटल कितने हुए, 8। यहाँ भी 6 और 2 टोटल कितने हुए, 8। इससे मल्टीपल करने के कारण हमारा इस इक्वेशन भी ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड हो गया। अब हम देखेंगे कार्बन को बैलेंस करने के लिए, और यहाँ पर हमारा कार्बन कितने हैं, 6, और यहाँ पे कार्बन कितने हैं हमारा, 1।
तो हमें कितने सूटेबल नंबर से मल्टीपल करना पड़ेगा, कितने से? 6 से। तो यहाँ पे अगर 6 से मल्टीपल कर लेते हैं तो ये भी इक्वेशन हमारा मल्टीपल होगा, तो यहाँ 6 से मल्टीपल हो गया। लेकिन इस 6 से मल्टीपल करने के कारण, इस कार्बन को बैलेंस करने के कारण इस ऑक्सीजन के भी डिजिट में फर्क आ गया, इस ऑक्सीजन से भी मल्टीपल करेंगे तो ये ऑक्सीजन यहाँ पर हम लिखे यहाँ पर भी 6 से मल्टीपल होगा। हमें ये कार्बन बैलेंस्ड, और यहाँ पर देखिए ये 6 2 12 और 6 18, हमारा ऑक्सीजन फिर से डिस्टर्ब हो गया। तो हम देखेंगे 6 2 12 और 6 18, अब यहाँ पर हम इसमें मल्टीपल कुछ कर नहीं सकते, अगर इसमें मल्टीपल करेंगे तो हाइड्रोजन और कार्बन भी अनबैलेंस्ड हो जाएगा। इसीलिए हम क्या काम करेंगे, जब ऑक्सीजन अकेला है तो अकेला में मल्टीपल हम कर सकते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना, 6 2 12 और 6 18, तो यहाँ पे हम अगर हम 6 से मल्टीपल करते हैं तो 6 कितना होगा, 6 2 12 और 6 18, तो यहाँ पे हम 6 से मल्टीपल कर लेते हैं, यानी ये 12 और 6 18 दोनों इक्वल हो गया, और ये तो हमारा पहले से हाइड्रोजन इक्वल था, यानी हमारा क्या हो गया, बैलेंस्ड। बस बैलेंस करने के लिए सिंपल मेथड को यूज करेंगे, पहले मेटल, मेटल ना हो तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के मल्टीपल करने के कारण हमारा ऑक्सीजन भी यहाँ बैलेंस हो गया था, और ऑक्सीजन को फिर से फिर ऑक्सीजन बैलेंस हो गया तो फिर हमने कार्बन को देखा, कार्बन में मल्टीपल किया तो कार्बन के कारण फिर से ऑक्सीजन डिस्टर्ब हो गया, फिर से हमने इधर सूटेबल नंबर से मल्टीपल कर दिया तो हमारा ये बैलेंस हो गया। तो चलिए अब हम देखते हैं Fe SO4 और Fe2O3 प्लस SO2 और SO3 में। Fe की तरफ हम देखेंगे रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में कौन कौन से एटम है, देखते हैं आयरन है, सल्फर है एंड ऑक्सीजन है, देन ऑक्सीजन, आयरन सल्फर एंड देन ऑक्सीजन। तो आयरन की बात कर रहे हैं, रिएक्टेंट साइड में आयरन कितने हैं, 1, रिएक्टेंट साइड में सल्फर कितने हैं, 1, ऑक्सीजन कितने हैं, 4। फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट साइड में आयरन कितने हैं, 2, सल्फर कितने हैं, 1 देन प्लस 1, ऑक्सीजन कितने हैं, 3 प्लस 2 प्लस 3। तो चलिए हम लोग ने इस इक्वेशन में हमने लेफ्ट साइड एंड रिएक्टेंट साइड ने हमने सभी एटम को लिख लिया, प्रोडक्ट साइड में सभी एटम को लिख लिया। तो फिर हम देखेंगे कि इसमें सबसे पहले बैलेंस किसको करना है, मेटल को बैलेंस करना है, और मेटल यहाँ पे कौन सी है, आयरन। तो आयरन यहाँ पर हम देखेंगे प्रोडक्ट साइड में आयरन 2 एटम्स के फॉर्म में है और यहाँ 1 एटम्स के फॉर्म में है, तो यहाँ मल्टीपल करेंगे, अगर यहाँ पर 2 से मल्टीपल कर लिया जाए तो 2 से मल्टीपल कर लेने में हम देखेंगे क्या कि ये आयरन बैलेंस्ड हो गया। लेकिन यहाँ 2 से मल्टीपल करने के कारण अगर इस एक आयरन में 2 से मल्टीपल कर रहे हैं तो सल्फर में भी मल्टीपल होगा और ऑक्सीजन में भी मल्टीप्लिकेशन होगा। तो हम देखेंगे कि यहाँ 2 से मल्टीपल किया तो सल्फर में भी 2 से मल्टीपल और ऑक्सीजन में भी 2 से मल्टीपल, जिसके कारण हमें देखने को यह मिल रहा है कि आयरन तो बैलेंस्ड है और सल्फर यहाँ पे 2 से मल्टीपल होने के कारण सल्फर यहाँ 2 हो गया। तो हम देख रहे हैं प्रोडक्ट साइड भी कितने, 1 प्लस 1, यानी ये प्रोडक्ट साइड भी 2 है। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन हमारे रिएक्टेंट साइड में कितने, 4 2 8, इसके साथ हम देखेंगे प्रोडक्ट साइड में कितने, 3 2 5 और 3 8, यानी ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस्ड हो गया, यानी हम एक मेटल को बैलेंस करने से हमने सभी को बैलेंस कर लिया, ये हमारा बैलेंस्ड हो गया। तो अब देखें कि इसी तरीका से हम हीट एंड ट्रायल मेथड पे और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जैसे कि इस इक्वेशन को लेते हैं। इस इक्वेशन में हमें देखने को मिल रहा है नाइट्रोजन है, कॉपर है और ऑक्सीजन है, तो और हाइड्रोजन भी है। तो देखेंगे सबसे पहले नाइट्रोजन को लिख लेते हैं, हाइड्रोजन भी है, कॉपर है एंड ऑक्सीजन है। तो नाइट्रोजन देखने को मिल रहा है कि नाइट्रोजन यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में, हम जानते हैं ये साइड रिएक्टेंट और ये साइड हमें प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट साइड हमारा नाइट्रोजन कितने हैं, 1, प्रोडक्ट हाइड्रोजन कितने हैं, 3, कॉपर कितने हैं, 1 एंड ऑक्सीजन कितने हैं, 1। उसके साथ हम लोगों ने रिएक्टेंट साइड को देख लिया, मेजर कर लिया, अब हम प्रोडक्ट साइड को तरफ देखते हैं। नाइट्रोजन कितने प्रोडक्ट साइड में, 2, हाइड्रोजन कितने प्रोडक्ट साइड में, 2, कॉपर कितने हैं, 1 और ऑक्सीजन कितने हैं, 1। तो चलिए हमें यहाँ पे देखने को मिला कि इसमें सबसे पहले हम मेटल को बैलेंस करेंगे और मेटल हमारा यहाँ पर क्या है, कॉपर, और कॉपर हम देख रहे हैं कि पहले से ही बैलेंस्ड है। जब कॉपर पहले से बैलेंस्ड है तो हमें किसको बैलेंस करना पड़ेगा, ऑक्सीजन, FON, फ्लोरीन ऑक्सीजन, नहीं तो नाइट्रोजन, यहाँ पर फ्लोरीन नहीं है तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन को बैलेंस करें, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन को। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को देख लेते हैं, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 1 और 1, यहाँ ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है,
जब ऑक्सीजन बैलेंस है तो किसको बैलेंस करेंगे, नाइट्रोजन को। तो यहाँ नाइट्रोजन देख रहे हैं कि टू प्रोडक्ट साइड में और रिएक्टेंट साइड में वन, तो नाइट्रोजन पे हम यहाँ पर मल्टीपल कर लेते हैं टू से, तो जिसके कारण टू से मल्टीपल नाइट्रोजन में करेंगे, नाइट्रोजन के साथ अटैच कौन है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में भी टू से मल्टीपल होगा, हाइड्रोजन में भी टू से मल्टीपल होगा, तो ये तो हमारा बैलेंस्ड हो गया नाइट्रोजन। चलिए यहाँ पर टू से मल्टीपल कर लेते हैं, तो इसके कारण हाइड्रोजन भी थ्री टू जा सिक्स हो गया, और इस साइड हमारा हाइड्रोजन कितने हैं, ओनली टू, तो हमें यहाँ पे हाइड्रोजन कितने से मल्टीपल करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, यहाँ पे थ्री टू जा सिक्स है, यहाँ पे भी सिक्स करने के लिए हमें कितने से मल्टीपल करना पड़ेगा, थ्री से। तो चलिए हमने यहाँ भी थ्री से मल्टीपल कर लिया, जब यहाँ थ्री से मल्टीपल किया तो इसके साथ कौन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में भी थ्री से मल्टीपल होगा, ऑक्सीजन में भी कितने से मल्टीपल होगा, थ्री से। जब ऑक्सीजन में थ्री से मल्टीपल हुआ तो हम देखें ऑक्सीजन डिस्टर्ब हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पर थ्री और यहाँ पर ऑक्सीजन वन, तो यहाँ भी हम थ्री से मल्टीपल कर लेंगे, तो ये ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड। और यहाँ पे थ्री से जब मल्टीपल ऑक्सीजन में करेंगे तो देखेंगे ऑक्सीजन के साथ कौन सी है एटम, और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कॉपर है, तो कॉपर में भी हमें थ्री से मल्टीपल करना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन में थ्री से मल्टीपल किया तो ऑक्सीजन के कारण कॉपर में भी थ्री से मल्टीपल होगा, तो यहाँ पे कॉपर में भी थ्री से मल्टीपल हुआ। अब देखेंगे कि यहाँ कॉपर में थ्री से मल्टीपल होने के कारण इस यहाँ भी ये अनबैलेंस्ड है, तो इसको भी हम ये यहाँ थ्री से अगर मल्टीपल कर लेते हैं तो ये भी हमारा बैलेंस्ड हो जाएगा। तो यहाँ देखें कि नाइट्रोजन भी बैलेंस्ड, हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड, कॉपर भी बैलेंस्ड एंड ऑक्सीजन भी फाइनली बैलेंस्ड, तो जिसके कारण यहाँ पर हम थ्री से मल्टीपल कर लिए कॉपर में और ये हमारा बैलेंस्ड हो गया। तो इस तरीका से हमने सेकेंड नेक्स्ट इक्वेशन को भी बैलेंस कर लिया। और हीट एंड ट्रायल मेथड बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, बस हमें ध्यान देना है कि पहले मेटल, मेटल के बाद अगर एफ ओ और एन, फ्लोरीन है तो ठीक है, नहीं तो ऑक्सीजन, नहीं तो नाइट्रोजन, और देन सुटेबल नंबर से हमें मल्टीपल करते जाना। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन में हमें देखा जा रहा है कि PbS H2O2, PbSO4 और H2O, तो इस साइड में हम रिएक्टेंट साइड में Pb, लेड, सल्फर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो हम लोग देख रहे हैं कि Pb, Pb जो है वो रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, लेड हम यहाँ पे वन, सल्फर कितने हैं वन, हाइड्रोजन कितने हैं टू और ऑक्सीजन कितने हैं टू। चलिए हम उस साइड भी देखते हैं, प्रोडक्ट साइड में लेड कितने हैं वन, सल्फर कितने हैं वन, हाइड्रोजन कितने हैं टू और ऑक्सीजन कितने हैं फोर प्लस वन, फोर यहाँ पर और वन यहाँ पर। तो चलिए सबसे पहले बैलेंस किसको करेंगे, मेटल को, और मेटल हमारा पर देखते हैं लेड है, और लेड हमारा पहले से ही बैलेंस्ड है। जब पहले से बैलेंस्ड है तो हमें लेड को छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा, एफ ओ एन, सॉरी लेड, आयरन अगर बैलेंस्ड है तो हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा, हाइड्रोजन यहाँ पर टू और यहाँ पर भी टू, हाइड्रोजन भी हमारा बैलेंस्ड है। जब हाइड्रोजन बैलेंस्ड हो गया तो हम किसको, एफ ओ एन पर चलेंगे, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, न यहाँ पर ना फ्लोरीन है ना नाइट्रोजन, हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा, ऑक्सीजन यहाँ पर टू है और यहाँ पर ऑक्सीजन फोर और प्लस वन फाइव है, तो हमें कोई सूटेबल नंबर से मल्टीपल करना है जो कि यहाँ पर ये बैलेंस्ड हो जाए। अगर हम टू से मल्टीपल करेंगे यहाँ पर तो क्या होगा, टू टू जा फोर, लेकिन पहले से यहाँ इस साइड प्रोडक्ट साइड में फोर प्लस वन है फाइव, इससे कम ही आ रहा है, तो हम इसे टू से मल्टीपल नहीं कर सकते, थ्री से और फोर से, देखते हैं कि थ्री से मल्टीपल करेंगे कि फोर से। तो यहाँ पे हम एक हमेशा सोचेंगे कि ऑड नंबर से मल्टीपल करें जो कि हमारा इजीली बैलेंस्ड हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे ऑड नंबर से मल्टीपल कर रहे हैं, फोर से मल्टीपल कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे फोर से मल्टीपल करेंगे तो फोर टू जा कितना होगा, एट, तो हम यहाँ पर देखिए फोर से मल्टीपल करने के कारण ऑक्सीजन के साथ कौन अटैच है, हाइड्रोजन, तो यहाँ से हमें अगर फोर से यहाँ मल्टीपल कर रहे हैं तो हाइड्रोजन भी में भी मल्टीपल होगा, हाइड्रोजन में यहाँ भी फोर से मल्टीपल होगा। तो चलिए पहले ऑक्सीजन को देख लेते हैं, फोर टू जा एट और यहाँ पर फोर है और प्लस वन है, ये तो बैलेंस नहीं हुआ, तो हमें यहाँ भी मल्टीपल करना पड़ेगा। अगर हम इसमें यहाँ पर देखें ये ऑक्सीजन यहाँ पर फोर है और यहाँ हम फोर से मल्टीपल करते हैं, या कोई भी ऐसा डिजिशन नंबर टू से मल्टीपल करें जिसके कारण एट हो जाए, तो ये बैलेंस के लिए सही टर्म नहीं है, तो हमें कहाँ से मल्टीपल करना पड़ेगा, यहाँ वन है, अगर यहाँ पर हम फोर से मल्टीपल कर लेते हैं तो हमारा क्या होगा, फोर टू जा एट, फोर और फोर एट, तो यहाँ पर हमने फोर से मल्टीपल किया। जब फोर से मल्टीपल करने के कारण किसके साथ मल्टीपल हुआ, हाइड्रोजन के साथ, और हाइड्रोजन में यहाँ यहाँ पर कहाँ पर है, यहाँ, और यहाँ पे भी हमें फोर से मल्टीपल करना पड़ेगा।
तो देखिए ऑक्सीजन बैलेंस्ड होने के कारण हमारा हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड हो गया। फिर उसके बाद देखिए सल्फर पहले से बैलेंस्ड है और लेड पहले से बैलेंस्ड है। तो इस तरीका से हमने इस इक्वेशन को भी बैलेंस कर लिया। अब चलिए नेक्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन में हमें देखने को मिल रहा है लेड। लेड यहाँ फिर से पीबी, नाइट्रोजन नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो हमें देखने को मिल रहा है कि लेड रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, वन। प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन रिएक्टेंट साइड में नाइट्रोजन कितने, टू से मल्टीपल होगा यहाँ पर, टू। और ऑक्सीजन कितने, थ्री टू जा सिक्स। चलिए हम अब प्रोडक्ट साइड भी लेड के लिए बात करते हैं। प्रोडक्ट साइड में लेड कितने हैं, वन। नाइट्रोजन कितने हैं, वन। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, वन प्लस टू प्लस टू। अभी हम यहाँ पर देखेंगे अब किसको बैलेंस करेंगे, पहले मेटल को। मेटल यहाँ पर पहले से ही बैलेंस्ड, तो किसको बैलेंस करेंगे, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो हम बात कर लेते हैं कि चलिए बैलेंस कर लेते हैं हम किसको, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को अगर बैलेंस करेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पर सिक्स है, ऑक्सीजन यहाँ पर सिक्स है और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, वन टू थ्री और टू फाइव। तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, ऐसे जगह पर मल्टीपल करना पड़ेगा जो कि ये सिक्स हो जाए। तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर हम टू से मल्टीपल कर लेते हैं, यहाँ पर अगर टू से मल्टीपल कर लेते हैं तो टू टू फोर टू सिक्स। अगर यहाँ पर टू से मल्टीपल कर लेते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू। यहाँ पर टू से मल्टीपल किए तो यहाँ भी लेड में भी टू पी बी ओ बन जा रहा है, यहाँ पर हमारा पी बी में भी टू से मल्टीपल होगा। चलिए पी बी में टू से मल्टीपल कर लिए। अब यहाँ पर टू से मल्टीपल होने के कारण अब देख रहे हैं कि पी बी की यहाँ वैल्यू चेंज हो गई, पी बी की वैल्यू यहाँ पर चेंज हो गई और पी बी के में भी हमें इक्वल करने के लिए यहाँ पर टू से मल्टीपल करना पड़ेगा, जिसके कारण हमें देखने को मिल रहा है कि ये लेड में टू से मल्टीपल करेंगे तो ये सभी के सभी एटम में टू से मल्टीपल होगा। यहाँ टू से मल्टीपल किए तो यहाँ भी टू से और यहाँ भी टू से। चलिए ये लेड तो बैलेंस्ड हो गया और नाइट्रोजन यहाँ कितना है, टू टू जा फोर, और यहाँ नाइट्रोजन कितना है, वन। तो यहाँ कितने से मल्टीपल करना पड़ेगा, फोर से। तो नाइट्रोजन को यहाँ फोर से मल्टीपल करेंगे तो नाइट्रोजन के साथ यहाँ ऑक्सीजन भी है और ऑक्सीजन यहाँ, ये ऑक्सीजन इस जगह पर मौजूद है तो यहाँ पे फोर से मल्टीपल होगा तो इस ऑक्सीजन में भी फोर से मल्टीपल होगा। तो चलिए देखते हैं कि बैलेंस्ड है कि नहीं। ये लेड तो बैलेंस्ड हो गया, नाइट्रोजन टू टू या फोर, यहाँ भी नाइट्रोजन फोर, यह भी बैलेंस्ड हो गया। और ऑक्सीजन सिक्स टू या ट्वेल्व, सिक्स टू या ट्वेल्व, और इस साइड कितने, टू प्लस फोर टू या एट, एट और टू टेन और टू ट्वेल्व, यानी हमारा ये ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड हो गया। बस बहुत सिंपल मेथड पे हम लोगों ने बैलेंस करना सीखा हीट एंड ट्रायल मेथड को। सबसे पहले स्टेप रूल को हम फिर से देखेंगे, स्टेप को देखेंगे क्या स्टेप थे। पहला स्टेप था मेटल को बैलेंस करना और नहीं तो हाइड्रोजन को बैलेंस करना। अगर मेटल या हाइड्रोजन पहले से बैलेंस्ड है तो उसके बाद हम चलेंगे, या बैलेंस्ड है या ना है तो पहले उसको बैलेंस करेंगे और उसके बाद हम बैलेंस करेंगे किसको, फोन को, यानी A फॉर फ्लोरीन, O फॉर ऑक्सीजन एंड N फॉर नाइट्रोजन। अगर ये मल्टीपल कर ले, अगर ये उसको बैलेंस कर लेते हैं तो अगर जो लास्ट में मल्टीपल करने के लिए बचे तो एक सूटेबल नंबर से उसे मल्टीपल करेंगे तो सब इक्वेशन हमारा बैलेंस्ड हो जाएगा। ये था हमारा हीट एंड ट्रायल मेथड, जिसमें हमने काफ़ी सारे इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका सीखे। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट मेथड, जिसका नाम है अलजेब्रिक मेथड। वो मेथड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बड़े बड़े इक्वेशन को भी आसानी से सॉल्व